भाजी मूसे वाला भाजी रात को 12-1 बजे यहाँ पे रोटी खा के जाते थे। भाई आज की वीडियो ना बहुत ही कमाल होने वाली है। कमाल धमाल क्या है इस वीडियो में, एक तो जी हाईवे, बिल्कुल हाईवे के ऊपर ढाबा, और ढाबा है जी देसी, देसी बोले वाला देसी नहीं, असल में देसी। मंजे लगे हैं और ट्रक ड्राइवर्स का इस हाईवे का सबसे फेवरेट ढाबा यही है। आओ चल के दिखाता हूँ ट्रक ड्राइवर क्या खाते हैं। सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। थैंक यू सर, तुसी अपना कीमती टाइम दिता। हाँ जी, तो नाम क्या सर आपका? मैं ना हरप्रीत है जी। तो हरप्रीत भाजी अभी जिस हाईवे पे हम खड़े हैं, हाँ जी हाँ जी, तो हाईवे पे जितने भी लोग मिले, जितने भी अपने ट्रक ड्राइवर भाई मिले, हाँ जी हाँ जी, सबने बोला कि भाई यहाँ पे आए हो तो इस ढाबे की रोटी जरूर खानी है। हाँ जी हाँ जी सर, 24 घंटे खुला अपना ढाबा। 24 घंटे क्या बात है। ये बाहर ही मंजे लगे हुए हैं, सामने टेबल्स भी हैं और बहुत ही कमाल का सेटअप है। पीछे है किचन। सर कितने साल पुराना ढाबा? 40 साल हो गए। 40 साल पुराना ढाबा आपके फादर साहब ने शुरू किया सर? हाँ जी हाँ जी फादर साहब। एक बार दिखाइए सर होता क्या क्या अपने पास। तो भाई ये किचन है, पाजी आ गए अंदर और सामने देखो काफी ऑर्डर्स लगे हुए कस्टमर्स के, एकदम पाजी देसी स्टाइल रखा हुआ किचन आपने। देसी जी, बिल्कुल देसी स्टाइल। पहला बर्तन है ये, है जी अपने दाल फ्राई। ये आगे जी दाल फ्राई और रंगत चेक करो कितनी कमाल की है। और इधर तंदूर पे उस्ताद जी ये क्या लगाया हुआ अपने तंदूर के ऊपर? आलू जी, आलू रखे जी, आलू वाले आलू का परौठे तंदूरी मिलते हैं जी साथ में। 24 घंटे आलू का परोठा? हाँ जी हाँ जी। क्या बात है। ये क्या पाजी आगे अपने? ये अपनी ग्रेवी है जी। ये जो हर पनीर और बाकी सब्जियों में ग्रेवी जाती है, हाँ यूनिवर्सल, वो ग्रेवी अभी तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया, ये ग्रेवी तैयार हो रही है और भाई 24 घंटे किचन खुली है ना जी। क्या बात है, मतलब भूख लगे बंदे को, हाँ जी, किसी भी टाइम आ जाए आप रोटी खिलाने के लिए बैठे हो। बैठे हैं जी, बहुत ही बढ़िया। सर आगे दिखाइए इस बर्तन में क्या है। ये आगे जी अपने काले वाले चने। ये आगे जी काले छोले। वाह, ढाबा की लुक बिल्कुल देसी है और भाई जो सब्जियों की लुक है वो भी बहुत ज्यादा देसी है, एकदम ऑथेंटिक वाली जो हाईवे ढाबा होते हैं। हाँ जी, वो ढाबा अपना। हाँ जी हाँ जी। वाह जी, ये आगे जी सरसों का साग परी, हाँ मार्च के महीने साग। हाँ जी हाँ जी जी। परी खेती भी अपनी हुई है? हाँ जी, खेती भी कर देंगे अपन। क्या बात है। तो पाजी के अपने खेतों का साग है जी, कमाल का। और पंजाब में आके बोलते ना कि साग नहीं खाया ढाबे पे देसी, तो कुछ भी नहीं खाया। हाँ जी। ये आगे जी कड़ी, और कड़ी की भाई जो लुक है ना वो शाही पनीर के जैसी है, एकदम पाजी गोरी चिट्टी कड़ी। हाँ जी हाँ जी। फिर लवली तरी लाई? नहीं जी। और पाजी भट्टी तो दिखाओ, भट्टी की तरह भट्टी दिखा दो। ये देखो, ये देखो मिट्टी का ऊपर लेप लगा हुआ और नीचे भाई ये देखो कोयले की भट्टी। ये जो चीज है ना पाजी हाईवे ढाबा से गुमदी जा रही है। हाँ जी हाँ जी। ये साड़ी बहुत पुरानी भट्टी है जी, इतने काम करते सारे 40 साल से खाना इसी भट्टी पे बनाया जा रहा है। वाह भाई, ये चेक करो भट्टी, ये बहुत कम देखने को मिलेगी अब हाईवे पे। सर एक बार पीछे दिखाइए क्या क्या है। हाँ जी आइए। और उधर पाजी क्या बन रहा है? चाय। चाय बन रही है जी। ये बन रहा है जी सामने चाय। हाँ जी, मतलब पराठे के साथ चाय ना हो तो काम अधूरा। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई ये रहा यहाँ का तंदूर एरिया, और बिल्कुल पुराने स्टाइल का ऑथेंटिक तंदूर है। ये सामने ढेर सारे फुलके पड़े हैं बढ़िया, और ये घी रहा, और लगातार उस्ताद जी लगाते जा रहे हैं तंदूर में रोटी। उस्ताद जी सिंपल रोटी लगा रहे हो? हाँ जी हाँ जी। वाह, पर ये तंदूर का सेटअप भी सेम? हाँ जी, सही सेम है। बिल्कुल जी सेम है। बहुत ही बढ़िया जी। और पीछे क्या हो रहा है सर? ये कटिंग हो रही है, अपना सामान तैयार करेंगे। ऐसी कटिंग हो रही है जैसे भंडारों में नहीं होती। हम देखते हैं कि भाई लोग बैठे बना रहे। और अंकल जी कितने किलो प्याज काट दिए? अंकल जी 50 किलो प्याज काट चुके हैं भाई। और ये देखो छिल्लड़ पूरे भरे पड़े और सामने कटिंग चल रही है। और आप क्या काट रहे हो उस्ताद जी? अदरक के लच्छे बनाए जा रहे हैं भाई। पूरा बिजी किचन है, 24 घंटे खुला है तो काम भी भाई उसका ही है। पीछे सब्जियां पड़ी है, उधर उस्ताद जी गुफाओं में बैठ के काट रहे हैं सब्जी। पर स्पेशल क्या होता अपने ढाबे? स्पेशल जी अपना कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, सेव भाजी, हर एक चीज स्पेशल है जी। मतलब हर चीज प्यार के साथ बनाई जाती है, प्यार से प्यार, और स्वाद बनती है। तो पाजी लगवा के दिखाओ कुछ, दिखाई फिर लोगों को कैसा खाना अपने ढाबे का। पाजी लोग बोलते हैं कि पंजाब में ना हाईवे पे नॉन वेज बढ़िया मिलता है, पर आज गलत साबित करो, वेज दिखाओ कमाल का कितना बढ़िया मिलता है पंजाब में। तो उस्ताद जी क्या लगा रहे हो बाप? मलाई कोफ्ता बनाएंगे। ये लगने वाला जी मलाई कोफ्ता, और आ गई है भट्टी के ऊपर पैन, और ये आ गया जी तड़का पैन के अंदर, और धुआं ही धुआं कमाल का। और जो भट्टी है ना वो एकदम पुराने स्टाइल की। ये आ गया जी नमक, और सामने मसालेदानी रखी हुई है। ये आ गया जी लाल मिर्ची, ये आ गया जी कसूरी मेथी, और ये आ गए पीछे से ताजे अदरक के लच्छे। तो यार जो रौनक है ना ढाबे की वो देखो, सामने बिल्कुल हाईवे है, हाईवे के बिल्कुल ऊपर ढाबा। ये भाजी कोफ्ता, ये आई हरी मिर्ची, और आ गया कोफ्ता। कोफ्ते का पीस चेक करो भाई, इतना बड़ा पीस और कमाल का कोफ्ता भट्टी के ऊपर, जो यहाँ की USP है, तैयार हो रहा है। और ये जो मास्टर ग्रेवी है यहाँ की, मास्टर ब्लास्टर ग्रेवी है ना अपनी, ये कमाल की रंगत और खुशबू। भाई ये मलाई चेक करो, बाकी ढाबों पे दिखती है अमूल दी डब्बी है ना भाजी। हाँ जी हाँ जी। पर यहाँ पे है जी जग भर के ताजी मलाई। ये मलाई आ गई सब्जी के बीच में, और रंगत चेक करो और भी ज्यादा कमाल की हो गई। ये आ गया जी ऊपर पनीर। कोफ्ते में क्या भरा होता सर अपने? कोफ्ते में पनीर होता है जी, पनीर का कोफ्ता। हाँ और ऊपर से पनीर, ऊपर से पनीर, मतलब जो कोफ्ता खाए उसको ये ना लगे भाई पनीर कम है। अभी मलाई और भी आएगी इसके अंदर, मलाई और भी आएगी, और आएगी। तो भाई इससे ही पता लग रहा है पंजाब में आए हो, जो भी चीज आएगी ना वो और ही आएगी। हाँ एक्स्ट्रा लार्ज सामान मिलेगा यहाँ पे। ये क्या जी? ये धनिया आ गया। ये आ गया जी धनिया,
ये आ गया जी गर्मा गर्म कोफ्ता प्लेट में। इसके बाद तो आपको पता ही कहाँ जाएगा हमारे पेट में। सर अब ये क्या कर रहे हो आप? ये मलाई पौने जी उत्ते। तो भाई इतनी मलाईदार मलाई कोफ्ता के ऊपर ये मलाई चेक करो, ढेर सारी आई है। मतलब पंजाब में आए तो सर शुद्ध खाना मिलेगा। शुद्ध जी शुद्ध है, देखो ऊपर से पनीर भी आएगा जी। अब ये आ गया जी ऊपर से पनीर, और लुक चेक करो फाइनल क्या कमाल की आई है। तो नेक्स्ट लगने वाली है जी ढाबा की शान दाल मखनी, और ये आ गया जी बना हुआ तड़का टमाटर और प्याज का। तो भट्टी चला रहे हो आप आज भी? काफी सारे ढाबे बंद कर गए हैं, भट्टी पे खाने का मजा क्या सर? नहीं इसका अलग ही टेस्ट है जी इसका। जो स्वाद इस पे आएगा मतलब वो गैस पे नहीं आएगा। गैस पे नहीं आएगा। एक हाथ से हरी मिर्ची, दूसरे हाथ से अदरक। भाई दाल हो रही है तैयार, आगे लाल मिर्ची, आगे कसूरी मेथी। सर आसपास के कॉलेज के लड़के भी बहुत आते हैं यहाँ पे खाने खाने। जी यानी कॉलेज तो आंदे जी मुंडे जी। सिद्धू मूसे वाला भी आंदा रही साडे कोले। अच्छा हां जी, जिस टाइम वो कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम आपके पास यहाँ पे खाने आते थे? यही खाना खाते थे जी। क्या बात है जी, अब तो दुनिया में नहीं रहे जी, चलो बहुत अच्छे आदमी थे वो। ठीक है, पर यहाँ पे खाना खाया करते थे वो रात को आगे। हाँ जी रात को। क्या बात है यार, अभी आ रहे जी देख में से गर्मा गर्म दाल बढ़िया बनी हुई। 4-5 घंटे लग के भाई दाल तैयार की जाती है। ये देखो मीठे मीठे। अच्छा ये क्या है उस्ताद जी बीच में? दूध क्या आया था जी? दूध, और ये आ गया थोड़ा सा और दूध, और बन रही है एकदम दूध वाली क्रीमी दाल। ये दाल के अंदर भी भाई जो सीक्रेट रेसिपी ना वो है मास्टर ग्रेवी। वाह, अब ये दाल में भी आएगा जी ग्रेट किया हुआ पनीर, और दाल भी होगी पनीर वाली है ना उस्ताद जी? ये सर कितने की प्लेट रहती दाल की? 110 रुपए में। इतना पनीर, इतना दूध, इतना मक्खन। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है यार। यार बढ़िया बढ़िया सब्जियां दिखाती है, अब देखो लगातार यहाँ पर रोटियां लगती जा रही। सर होता क्या क्या अपने ढाबे में रोटी के अलावा? क्या परोठा जी, बटर नान, मिक्स परोठा, आलू परोठा, हर एक चीज मिलेगी जी। क्या बात है जी, और ये देखो जी एकदम करारी करारी रोटियां, और रोटियों के ऊपर आ रहा है जी घी। अब पंजाब में आए हो, मक्खन और घी तो मिलेगा ही मिलेगा, और घी के अंदर ना रोटियां पूरी नहला के। पर ये कैमरे करके तो नहीं ज्यादा ला रहे? नहीं जी नहीं नहीं, इतना ही लग दिया जी। नॉर्मल नहीं लग रहा जी? हां जी नहीं लग रहा। ये देखो जब भी आप आओ ऐसी एकदम बढ़िया घी में नहाई रोटियां मिलेंगी। पंजाब ना दो चीजों पे चलता है, हाईवे पे ट्रक ड्राइवर और ढाबे। तीन चीजें लगा लो, तीन पे चलता है। आ गया जाओ। अब ये ऊपर भाई मलाई, मतलब वो डब्बे वाली अमूल क्रीम व्रीम नहीं है जिसको ऐसे पिचकारी मार मार के लोग दिखाते हैं ना, वो चीज नहीं है। ताजी शुद्ध देसी मलाई पनीर भुर्जी एकदम कमाल की। पनीर के ऊपर पनीर सिर्फ पंजाब में मिलेगा, दाल के ऊपर भी पनीर सिर्फ पंजाब में मिलेगा, क्योंकि भाई दूध लस्सी पनीर घी यही सब तो पहचान है। ये आगे जी कुरकुरी करारी रोटी, माइक सस्ता आवाज नहीं है कोई नहीं, बट रोटी बहुत करारी बढ़िया रोटी एकदम चमकीली। हनी सिंह का गाना सुना ना कुड़ी चमकीली, पर भाई पंजाब में ढाबों में मिलेगी रोटी चमकीली। आ जाओ अब चमकीली रोटी। ओए होए ओए होए, सिल्क आती है ना चॉकलेट, जब वो फ्रिज में लगी होती है बाहर निकालो पिघलाओ वो होता थी ना गले से, एड में भी दिखाते ना वो सुंदर सी लड़की आती है वो ऐसे उंगली पे लगा के चॉकलेट दिखाती, इतनी क्रीमी होती है वो चीज़ ये है। ये देखो आराम से उतरती हुई पूरा नज़ारा देगी। ये देखो जी पनीर की भुर्जी, अंडा भुर्जी, ब्रेन भुर्जी, पता नहीं क्या क्या नॉन वेज वाले खा लेते हैं। वेज में तो भाई पनीर भुर्जी सब चीज़ों को मात देती है, मतलब देसी ढाबा ना बोलने में नहीं है, लुक भी देसी स्वाद भी देसी। पनीर भुर्जी वगैरह या हम ये सब्जियां नॉर्मल ढाबे में खाते हैं मसाले वाले होते हैं, पता लगता है कि भाई ढाबा है, ढाबे पे आए हो रेस्टोरेंट पे आए हो, पर यहाँ पे देसी फील है एकदम, विलेज स्टाइल फूड मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि ज़्यादातर जो इनके कस्टमर है ट्रक ड्राइवर है, लंबे लंबे रूट पे ना उन्होंने गाड़ियाँ चलानी होती हैं, सामान इधर से उधर लेके जाना होता है स्टेट टू स्टेट। ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे जलन होती रहेगी, ट्रक कहाँ चलाएंगे। ये है जी दाल एकदम बढ़िया वाली दाल, और ये एक्स्ट्रा दाल निकाल देते हैं बाहर, बाइट को करते हैं फोल्ड। तीनों चीज़ें यार पूरी मखनी है, बढ़िया फ्लेवर है। ये नहीं है मखनिया तो फ्लेवर नहीं है, मतलब मसाला नहीं है, हरी मिर्ची डाल के ना बढ़िया तीखा बना हुआ है। और बिना मांगे ढाबे पे रोटी मिल रही है, बिना मांगे लाइक दे दो और चैनल सब्सक्राइब करो नहीं किया, बाकी लोकेशन अभी पारी बता रहे सुन के जाना। और देसी ढाबे भाई जाते लोग जो आप देख रहे हो आप में से बहुत कम जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते भाई एसी में बैठूंगा इसमें बैठूंगा, गाड़ी लाओ बाहर लगाओ खा के जाओ मजा आ जाएगा स्वाद में। अपने लुधियाने तो जी मलेरकोटला रोड नेड़े मंजी साहब गुरुद्वारा आलमगीर।